हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार, जिसमें अपने कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो आविष्कार हुए थे उनके बारे में चर्चा कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत वस्त्र उद्योग में हुए आविष्कार। अगर बात करें अपने यूरोप की तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में वस्त्र बनाने की प्राचीन प्रणाली वस्त्रों की मांग को पूरा करने में असमर्थ थे। यानी कि 18वीं शताब्दी तक जो यूरोप में वस्त्र बनाने की जो प्रणाली थी वह प्राचीन जो प्रणाली थी वही चली आ रही थी। और उस प्रणाली के अंतर्गत क्या हो रहा था, जो जितनी वस्त्रों की मांग थी उस मांग को पूरा करना उसके बस की बात नहीं थी। यानी कि उस प्रणाली के द्वारा जो वस्त्रों की मांग थी उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती थी। इंग्लैंड में पहले सूती वस्त्र आयात किए जाते थे, यानी कि औद्योगिक क्रांति के शुरू होने से पूर्व तक इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र थे उन्हें आयात किया जाता था, यानी कि बाहरी देशों से इंग्लैंड में मंगवाया जाता था। यूरोप में बढ़ती कपड़ों की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में नए आविष्कार किए गए, यानी कि जो यूरोप में कपड़ों की मांग बढ़ रही थी उसी बढ़ती हुई मांग को मद्देनज़र रखते हुए इस क्षेत्र में नए नए आविष्कार किए गए। उन आविष्कारों की अगर अपने बात करें तो सबसे पहला आविष्कार कौन सा आता है, 1733 ईस्वी में जॉन के द्वारा फ्लाइंग स्टल लूम की खोज करना। तो इसके अंतर्गत पहला आविष्कार कौन सा आता है, 1733 ईस्वी में जॉन के द्वारा फ्लाइंग स्टल लूम की खोज करना। इसकी सहायता से क्या हुआ, कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हुआ। यानी कि जो फ्लाइंग स्टल लूम था इसकी सहायता से कम समय में ज़्यादा चौड़ा कपड़ा बनाया जा सकता था। दूसरी खोज की अगर बात करें या दूसरे आविष्कार की बात करें तो 1765 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने कताई की मशीन, जिसे अपने क्या कह सकते हैं स्पिनिंग जेनी, इसका आविष्कार किया। कब किया, तो 1765 में। इससे क्या हुआ, इससे एक व्यक्ति एक साथ कई धागे कात सकता था। यानी कि इससे पूर्व क्या होता था, अपने उदाहरण ले सकते हैं चरखे का। मान लो चरखा चला रहा है तो एक व्यक्ति चलाएगा और एक समय में एक धागा बना पाएगा। अगर उसी जगह अगर किसका इस्तेमाल हो, स्पिनिंग जेनी मशीन का हो, तो उसमें एक व्यक्ति घुमाने वाला चाहिए, लेकिन उसमें धागे हैं वो एक साथ कई धागे बनते हैं। तीसरा आविष्कार देखो कौन सा हुआ, 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। कब किया, 1769 ईस्वी में। किसने किया, रिचर्ड आर्कराइट ने। किसका आविष्कार किया, तो वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। इससे क्या हुआ, जिससे पहले की अपेक्षा मजबूत धागा बनाया जा सकता था। जो रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, इस वाटर फ्रेम से क्या लाभ हुआ, इस वाटर फ्रेम से पहले के मुकाबले जो धागा था उसे अधिक मजबूत बनाया जा सकता था। चौथा आविष्कार 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने, किसने, सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल का आविष्कार किया। और कब किया, 1789 में। अब इससे क्या हुआ, इससे जो कता हुआ धागा होता था वह मजबूत और बढ़िया होता था। किससे कता हुआ, म्यूल से कता हुआ धागा जो होता था वह मजबूत और बढ़िया होता था। पांचवा आविष्कार 1787 ईस्वी में हुआ, किसके द्वारा, एडमंड कार्टराइट के द्वारा। किसके द्वारा, एडमंड कार्टराइट के द्वारा। इसने शक्ति चालित करके यानी कि पावर लूम का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, पावर लूम का आविष्कार किया था। तो बच्चों आज अपने औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत वस्त्र उद्योग में हुए आविष्कारों में पांच आविष्कार पड़े। पहला आविष्कार क्या है, 1733 ईस्वी में जॉन के द्वारा फ्लाइंग स्टल लूम की खोज करना। दूसरा आविष्कार कौन सा है, 1765 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने कताई की मशीन यानी कि स्पिनिंग जेनी बनाई थी। तीसरा 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल का आविष्कार किया। और 1787 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने शक्ति चालित करके यानी कि पावर लूम का आविष्कार किया था। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत वस्त्र उद्योग में हुए नए आविष्कार कंप्लीट हुआ। बच्चों आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।